देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। झाबुआ की बात करेंगे जहां आदिवासियों का प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटन का विरोध कर रहे थे आदिवासियों ने। जमीन पर देवता बाबा का स्थान बता दिया है। कलेक्टर से आवंटन को निरस्त करने की मांग की गई है। कलेक्टर में काफी देर तक हंगामा ही चलता रहा। SDM को आदिवासियों ने ज्ञापन सौंपा है। प्रशासन को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटन का विरोध किया जा रहा है। आदिवासियों का कलेक्ट्रेट में हंगामा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जमीन आवंटन का विरोध करते हुए आदिवासी नजर आए। तो आप देख रहे हैं ये जमीन, जिसके विरोध में लगातार जो है आवंटन को लेकर नारेबाजी करते हुए यहाँ पर झाबुआ में कई लोग नजर आए। नई पुलिस लाइन के लिए जमीन का आवंटन होना था और उसको लेकर नाराजगी। वीरेंद्र सिंह राठौर संवाददाता साझ हो गए हैं। वीरेंद्र, क्या ये प्रदर्शन खत्म हुआ है, क्या मान गए हैं आदिवासी या उनकी मांगे क्या हैं? देखिए, फिलहाल तो प्रदर्शन खत्म हो चुका है और जो आदिवासी समाज पहुंचा था, इसका इनकी मांग ये है कि जो नई पुलिस लाइन के लिए जो जमीन आवंटित की गई है वो आवंटन निरस्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पर उनके जो आराध्य देव हैं बाबा देव, वहाँ पर 10 गांव के लोग पूजा करते हैं और आसपास जो आप देखते हैं काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो वो इसको बचाने के लिए, खासकर जो बाबा देव का जो देव स्थान है उसको बचाने के लिए उनकी मांग है। और उनकी ये मांग है कि जो नई पुलिस लाइन के लिए जमीन आवंटित की गई है उसको कलेक्टर निरस्त करे। इसी मांग को लेकर आज सुबह ये सभी जो ग्रामीण है वो पहुंचे थे और कलेक्टर से मिलने की जिद करने लगे। जब कलेक्टर उनसे मिलने नहीं पहुंची तो ये लोग बैरिकेडिंग तोड़ के कलेक्टर के जो मुख्य द्वार है वहां पहुंचे और तब भी इनसे कलेक्टर मिलने नहीं पहुंची। तब तक काफी देर तक वहां पर नारेबाजी और हंगामा चलता रहा। फिर ADM और SDM पहुंचे और ADM ने इन लोगों की बात सुनी, इनका ज्ञापन लिया और आगे की बात इन्होंने की। तो जो समाज पहुंचा था, ग्रामीण पहुंचे, तो उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है इस पूरे मामले को लेकर निर्णय लेने के लिए प्रशासन को। उसके बाद अगर उसके बाद भी इनकी सुनवाई होती है तो पूरे जिले भर के जो आदिवासी वो कलेक्टर घेरने का चेतावनी दे चुके हैं। क्या यहाँ पर पुलिस फोर्स को भी बढ़ाया जा सकता है वीरेंद्र? देखिए, जब ये इस तरह का पूरा हंगामा चल रहा तब मौके पर पुलिस बल मौजूद था, लेकिन जैसे ही बैरिकेडिंग तोड़ के ग्रामीण पहुंचे उसके बाद झाबा कोतवाली से काफी बड़ी संख्या में जो पुलिस बल उसको बुलाया गया, लेकिन करीब 1.5 से 1.5 घंटे तक पूरा हंगामा चलता रहा। उसके बाद ज्ञापन देने के बाद ग्रामीण लौट गए और 5 दिन का समय उन्होंने प्रशासन को दिया इस पर निर्णय लेने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं जबलपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और लाठी डंडों के साथ सड़कों पर महिलाएं उतर गई हैं। अवैध शराब की बिक्री का विरोध कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि 100 से ज्यादा घरों में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है जिसको बंद कर दिया जाना चाहिए। महिलाओं को देखिए, मोर्चा महिलाओं ने संभाल लिया है यहाँ पर और शराब के खिलाफ लगातार मांग उठ रही है कि आधे से ज्यादा घरों में अवैध शराब का कारोबार जो चल रहा है उसको बंद किया जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लाठी लेकर महिलाओं जो शराब के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं महिलाएं, और उनका ये कहना है कि शराब बंद हो जाना चाहिए। 100 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इसके अलावा अवैध शराब की बिक्री का विरोध वो कर रही हैं कि जिस तरीके से अवैध शराब बिक रहा है ये जानलेवा है और इसीलिए लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरी हैं महिलाएं, जो कि मांग कर रही हैं कि इस तरह के कारोबार को बंद कर देना चाहिए। जबलपुर में शराब के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है और लाठी डंडे के साथ सड़कों पर वो उतर आई हैं। उनकी एक ही मांग कि अवैध तरीके से चलने वाला ये कारोबार बंद होना चाहिए।